बहुत दुख हुआ है, तीनों अकेले रह गए। काशली की तो शादी भी होने वाली थी। आनी भी होने आई पापा। बेटा तुमने क्या बार बार आनी की रट लगा रखी है, आ जाएगी बेटा। बेटा क्यों जिद कर रहे हो आप? साहब उसको काफी दिन हो गए आए हुए। मेरे ख्याल आज जरूर आएगी। वो आप लोग जल्दी घर चले, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्यों क्या हुआ? वो मामा बहुत परेशान है, वो कह रही है बस जल्दी से घर आ जाओ। अरे भाई मसला क्या है? वो अंजोशा है ना, उसने एक मुकामी लड़की और बाहर से आए हुए लड़के का कत्ल कर दिया। क्या? सब बहुत परेशान है, बस चले जल्दी। हयात चलो, मैं चलना चाहिए। उठो ना, आ जाओ। उठो जी। मैं जाऊं? जरमी ने मुझे तुमसे बात पूछनी थी। वो क्या नाम है उसका जिसके बारे में मशहूर है कि वो कपल्स को? अंजुशा। हाँ अंजुशा। ये अंजुशा अगर कातिल है तो लोग इसे पकड़ते क्यों नहीं? नहीं जी, वो कातिल नहीं है जी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो पकड़ में ही नहीं आता, और किसी को क्या पता कि वो कातिल है भी या नहीं। खतल नहीं तो फिर क्या? पता नहीं जी, सब लोग कहते हैं कि पापा। अरे मेरी जान, तुम तक सोई नहीं? नहीं पापा, आप भी मेरे साथ चले ना प्लीज, मेरे साथ सोए। चलता जमीने, आंटी वगैरह करीब नहीं कहीं गए हुए हैं, फिर ख्याल भी आते ही होंगे। जाना मत, तुम्हें नजर छुड़ाएगा। आप मेरी फिक्र ना करें जी, नवाज आएगा मुझे लेने। तो ठीक है। हाँ जी, कौन? बीना? नहीं जी, मैं जमीने बोल रही हूँ। आपको किससे बात करनी है? जाजी से। अच्छा आप कौन? मैं जाजी की मामा बात कर रही हूँ, कराची से। अभी बुलाती हूँ। साहब जी, साहब जी आपका फोन है। किसका फोन है? बेगम साहबा का। हेलो, मुझे जाजी से बात करनी है। ओ, तो इतने अरसे बाद अपने बेटे की याद आई गई। मेरी जाजी से बात करवाओ। जाजी अपने मामा को फोन। हेलो मामा, हाउ आर यू? फाइन बेटा। बेटा तुम कैसे हो? आई यू ओके? मुझे मिस करते हो? मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बेटा। आप क्यों नहीं आए मामा? तुम खुश हो ना बेटा? बेटा इतने दिन हो गए तुमने मुझे फोन नहीं किया, तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते? सॉरी मम्मा, आनी आ जाती है ना। आनी बहुत अच्छी है मम्मा। आनी? Who's that आनी? एक बहुत अच्छी लड़की है। और जाजी को तुम्हारी कमी का एहसास नहीं होने दे रही। हालांकि तुम्हारी मौजूदगी की भी क्या अहमियत थी उसके लिए। दारा, तुम्हें देखा होगा तो वो कितना खुश है। बिल्कुल उसी तरह अपने आप में मगन है जिस तरह के तुम अपने आप में मगन। Anything else? कोई बात तो है जरूर, बताओ मुझे।
एक संडे को मॉम जाजी का बर्थडे है, बस उसी के बारे में सोच रही थी। मुझे याद है, सोचिए उसे कुछ गिफ्ट भिजवा दूं। एक बात सुन लो, जासिम हमेशा ऐसे ही रहेगा, सारी उम्र नहीं बदलेगा, और वो चाहेगा कि अपने बच्चे को भी अपने ही रंग में ढाल दे। बेहतर यही है कि तुम उसे उसके पास ही रहने दो और उसे भूलने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, लेकिन लेकिन मॉम मैं जाजी को उसके पास नहीं छोड़ सकती, मैं उसे तन्हा कर दूंगी और उससे उसका ये फख्र छीन लूंगी कि वो उसके साथ खुश है। ठीक ठीक है, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा आखिरी फैसला ये होना चाहिए। ठीक है। जंगल में बंदर तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, पिकनिक जाने का दिन आया है। ओ नहीं, जाजी की तबीयत सही नहीं, वरना मैं जरूर चलता, अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम होगी तो। अरे भाई, मैंने प्रोग्राम ही इसलिए बनाया पिकनिक का कि इसको अकेले सोचने का मौका तो मिले। यार बेटा, वो अकेला तो नहीं है, मैं हूँ ना। आंटी प्लीज, हमारा प्रोग्राम खराब ना करें, इसको मौका जरूर दीजिएगा सोचने का। भाई मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, कोई मुफक्किर नहीं सोचने का। जल्दी करे भाई, चलो चलो बैठो, चलो क्या कहते हैं, जाजी का ख्याल रखना, और वो अंजू शाह मिले ना उसको बोलना हम नथिया गली गए वहीं आ जाए। आगे कौन नहीं बैठेगा? मैं बैठा। हाँ आ जाओ आगे में बैठो। मतलब हमने फजूल से गाने ना गाए। नूरा जी, बीबी जी, किसी का फोन आया था? जी वो नैन बीबी का फोन आया था और वो सादी बीबी का पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, और तो किसी का फोन नहीं आया? नहीं जी। ठीक, तुम जाओ। हेलो जी। अच्छा हुआ तुम मिल गए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि आपकी ये जरूरी बात क्या होगी, मैं जाजी को बुलाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। जी फरमाइए। सादी तलाक चाहती है। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। फिर ये कि तुम तलाक दे दो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मैं अपनी भलाई के बारे में आपसे बेहतर समझ सकता हूँ। सादी इस सिचुएशन तक खुद चलकर आई, और बेहतर है कि वो खुद खुला ले। What? मैं जानती हूँ कि तुम किस नेचर के आदमी हो। मुझे तुमसे इसी घटिया बिहेवियर की तवक्को थी, सिर्फ इसीलिए कि नहर के सिलसिले। नहर तुम्हें कभी भी दे सकता हूँ, लेकिन बात मेरे बच्चे की है, इसको मैं कभी भी अपने से जुदा नहीं कर सकता। हमें वो भी नहीं चाहिए।
और मेहर भी नहीं। मेहर से चौगनी रकम तो हम तुम पर लगा चुके हैं। जी हाँ, और इससे भी चौगने इल्जाम। बहरहाल मैं जानता हूं कि ये शादी की ख्वाहिश है, और शादी की ख्वाहिश के आगे दुनिया की कोई चीज भी हार नहीं हो सकती। ठीक है मिस्टर जैसन, तुम पस्ती के इंतहा तक पहुंच चुके हो। वो ये भी कर सकती है। मैं ये देखना चाहता हूं कि वो क्या कुछ कर सकती है। हेलो मॉम। ओह गॉड, तो बहुत थक गई। सो टायर्ड। व्हाट हैपेंड मॉम? वो फोन आया था उसका, जसिम का। जसिम का? तो तलाक देना चाहता है तुम्हें। और जाजी को भी भेज देना चाहता है ताकि उसे पालना ना पड़े। संभालो अपने आप को, संभालो। मैंने तो तुम्हें कहा था कि उससे किसी चीज की भी तवक्को रखो। ये तो होना ही था। मिस्टर मेयर, मुझे आज अपने सारे क्लाइंट्स की फाइल चाहिए। सर, मैंने कल ही अकाउंट डिपार्टमेंट में सारे क्लाइंट की लिस्ट और उनके मुकम्मल एड्रेस दिए सर। मुझे क्लाइंट्स की फाइल अपने गर्ज के लिए चाहिए, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपने किस डिपार्टमेंट में वो फाइल दी है। ठीक है सर, मैं आपको कल इंशाल्लाह एक और कॉपी दे दूंगा। कल नहीं मिस्टर मेयर, अभी और इसी वक्त। आपको कितनी दफा मैंने अपनी मीटिंग में बताया कि मुझे हर बात में कल कल मत किया करें। जाए आप अभी फाइल लेके आए। सॉरी सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। सर, वो मिस सादी भी ये लिस्ट मांग रही थी। आप ऐसा कीजिए कि उनको कोई बहाना कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम भी अगर वो कोई डिटेल्स मांगे तो पहले मुझे बताइए आके। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं मामा, मामा मैं जाजी को छीन कर ले आऊंगी उससे। जाजी वैसे भी तुम्हारा ही है। कम ऑन मामा, छीनने और लेने में बहुत फर्क होता है, आप नहीं समझती। देखो इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, ऐसी हालत में कुछ भी करना ठीक नहीं। तुम दो तीन दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नो मामा, मैं कल सुबह ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जाजी का
मुझे वो नवाज के साथ गया साहब जी, नवाज का बड़ा दिल लग गया उसके साथ, वो भी बहुत खुश रहता है उसके साथ। बच्चे तो मासूम होते हैं, जान में मोहब्बत मिले वही खुश रहते हैं। anyway, सब लोग हैं वो जी, वो नूर साहब है ना, उनकी बीबी की तबीयत बहुत खराब है, सब उनको देखने के लिए गए। चाय लाओ आपके लिए। नहीं नहीं, मैं जरा बात सो के आता हूँ। आने से पहले फोन किया? मैं अपने बेटे को लेने के लिए आई हूँ। देखो सब आपको सामान नहीं आ रहा, सामान की मुझे कोई जरूरत नहीं, यह मैं रोने के लिए नहीं आई। जाजी कहाँ है? तुम बैठो, बाद में बात करते हैं। तो आखिर तुमने फैसला कर ही लिया? देखो शादी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जस्ट रिलैक्स, आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, बैठो। टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। वैसे भी जिंदगी का बहुत सा वक्त मैं तुम्हारे साथ जाया कर चुकी हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं है मेरे पास। और तुम्हारे में तो कुएं से फैसला ही नहीं ली, अब क्या हुआ इतने बड़े बड़े फैसले करने लगे हो तुम? अकल आ गई मुझे, इसलिए भी कि मुझे एहसास हो गया था कि मेरी जिंदगी के अहम फैसले तुम्हारी और चले गए थे। ऐसे तो तुम इसे अकल आना कहोगे, एहसास हो गया है तो फिर तो शायद तुम्हें इस बात का भी एहसास हो गया होगा कि उन्हीं फैसलों की वजह से तुम्हारी जिंदगी बन गई थी और हमने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा दिया था। ये तुम नहीं, तुम्हारा जरूर हो गया, तो शायद यहां पर भी तुम अपनी ज्यादा दौलत की नुमाइश न करती। बच्चे को मासूम होते हैं, ना ही वो दौलत के रूप में आते हैं, ना ही कोई दौलत की बेबसी महसूस कर सकते हैं। बच्चे को सिर्फ नफरत की मोहब्बत महसूस कर सकते हैं। एनीवे, जाजी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। व्हाट? हाँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें जॉसी को हासिल करके दिखाऊंगी, समझे तुम? और सी यू इन द कोर्ट। कदर नहीं होंदी, ऐसे लोगां नू कदर करानी पड़दी है। हां, बुढ़ापे विच की फायदा, बंदा जब दरखत लगांदा है ना ते मेहनत ते करनी पैंदी है, नहीं ते मुड़ जा जांदा है। नहीं काशी, मैं उसनू मुरझान नहीं देना। जरी, तेरी गल्ला सुन के ना मैनू खौफ आंदा है। क्यों? अरे चार जमाता पढ़ के ना बंदा सियाना हो जांदा है, और तू भी है। रहन दे बस, दुनिया इस किनारे तो लेके उस किनारे तक एको जही है, बंदा उतने हाथ फैलावे जितने हाथ ने। पर झोली भी तो होंदी है ना, देख मेरी गल सुन, दुखा विच नाल रो ले और खुशी विच नाल हस ले, बस इन्ना ही काफी है। ऐ ते सारे ही करदे ने, किसी नू कुछ होर भी ते करना चाहिए ना, तू जो करनी है ना वो ही काफी है। जे इस ते ज्यादा हिम्मत होवे ते एक काम कर सकनी। क्या? तू छेती छेती कर ले ताकि अपना काम खत्म हो जाए। सिर्फ दो मिनट को देती,
کتنا سمجھایا تھا جاسم کو اور پھر بھی قصور جاسم کا نہیں ہے وہ رکی ہی نہیں ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا آنٹی ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہی ہوگا انہوں نے سر مجھے تھی گھر میں اس نے بتایا جاسم نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی بہوؤں کے جھگڑوں میں بچے مارے جاتے ایا تو جاسم کا ہے وہ شاید اپنے کمرے میں ہے ذرا دیکھ کر تو آؤ جان تم چائے تو بنا کے لے آؤ ہاں شور آنٹی آپ پیئیں گی ہاں بیٹا مجھے تو بلکہ کوئی سر درد کی گولی بھی دو اوکے آنٹی اب سوچنا چھوڑ دیں اب جتنا سوچیں گی اتنی ڈپریشن میں جائیں گی ہم نے بھی پوری کوشش کی تھی بننے والی بات بگڑ گئی مجھے سمجھ نہیں آتا سادی اچھی خاصی سمجھدار لڑکی کو کیا ہو گیا ساری عقل ختم ہو جاتی ہے جب تقدیر آڑے آ رہی ہو آنٹی آپ کے خیال میں ہاں بیٹا دہلی پہ سرسوں جمانے کی کوشش کر رہے تھے ہم نینا بھی آیات بھائی جاسم بھائی کے کمرے میں اور دروازہ اندر سے لاک ہے ہو گئی آپ کی ہاں اگر اس طرح کیمرہ مین اور لائٹ مین کے اوپر کام چھوڑ دیں گی تو آپ ہیں نا ہاں میں تو ہوں لیکن آپ کو اس طرح ڈسٹرب دیکھ کے کچھ افسر سا ہو گیا ویسے شادی یہ کب تک چلے گا میرا مطلب ہے جاسم آپ کی کمزوریوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا اور وہ تو چاہتا بھی یہی ہے شاید آپ کو معلوم نہیں کہ شیور ایڈورٹائزنگ والوں نے ہمارے دو ایڈز واپس کر دیے What? That's really bad. آپ فکر نہ کریں میں نے دن رات لگا کر ان کو کمپلیٹ کر کے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی تھینک یو سو مچ سو نائس آف یو بٹ مما نے مجھے نہیں بتایا میں نے منع کر دیا تھا بس ایک بات ہے سادی جو لوگ ہمیشہ ہر معاملے میں جیتتے چلے آئے ہوں ان کی شکل دیکھی نہیں جاتی میں نے ہارنا نہیں سیکھا مسٹر ادیر میں جانتا ہوں اور میں لائف میں کسی سے نہیں ہاروں گی میں بھی یہی چاہتا ہوں کل کی شوٹنگ میں الگ کر لیا آپ نے آپ واپس آ گئی ہیں کہاں سے خیالوں سے اپنے یس آئی ایم بیک چلیں پھر لوکیشن پہ چلیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں بیٹا سر مجھے تو رش کا مجھے بھی والے میں بات کرتی اس سے ہر تم فٹ میں اب بھی کچھ نہیں کروں پھر فون پہ بات کروں گی اس سے آنٹی آپ کیا سمجھتی ہیں یہ میرا کوئی جذباتی فیصلہ ہے پانچ سال ہو گئے سادی کے ساتھ اور ان پانچ سالوں میں وہ میری کبھی نہیں رہتی شادی سے پہلے میں ضروری سمجھتا تھا کہ وہ میری ہے لیکن اور میرا خیال ہے کہ اس نے مجھ پر فتح پائی تھی مجھے نایا کبھی نہیں تھا جاسم تم اس وقت بھی اتنی جذباتی ہو رہے تھے جب ایات نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی میں اعتراف کرتا ہوں نا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ میرا ایک جذباتی فیصلہ تھا لیکن اس کی اطاعت کی سزا بھگت چکا ہوں میں ہاں اور اب تم اس فیصلے کی سزا اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہو خیر جازی کو کچھ بھی نہیں ہوگا فضول کی بکواس مت کرو تمہارا حافظہ کمزور ہوگا لیکن میری یادداشت بہت اچھی ہے جاسم اور میں اس وقت بھی تمہیں کنوینس کر رہا تھا جو تم اپنی حمایت میں دلائل دے رہے تھے بہرحال آج ہم فیصلہ کر کے اٹھیں گے چاہے وہ جازی کے حق میں ہو
या शादी खेलते हैं। बहरहाल ये फैसला तो मैं खुद करूंगा और वो भी अपने हक में, इसलिए कि जाजी मेरी जिम्मेदारी है। बेटा मैं चाहूंगी तुम दोनों, यानी तुम और शादी, जो भी फैसला करो वो जाजी के हक में होना चाहिए, यही हम सबके लिए बेहतर है। आप फिक्र न करें आंटी, जो फैसला भी होगा वो जाजी के हक में होगा, उसकी बेहतरी के लिए। जिंदगी के यही ढब होते हैं आंटी, ऊंच नीच परेशानियां तो आती जाती रहती। वैसे मैं इन 5 सालों में काफी मैच्योर हो चुका हूं। तुम सिर्फ बड़े हुए हो, मैच्योर नहीं। और जरूरी नहीं कि जो आदमी बड़ा हो जाए वो मैच्योर भी हो। आंटी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ भी अच्छा सा रेस्ट हाउस खोल लूँ, आपका क्या ख्याल है? तलाक की सूरत में भी जाजी तुम्हारे पास ही होगा, मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद करेगा। मगर मैं तो उससे कुछ भी नहीं लेना चाहती मामा, यहां तक कि तलाक भी, और तब भी जाजी सिर्फ मेरा ही रहेगा। तो क्या कर लोगी तुम? मैं खुला लूंगी, तलाक का फैसला उसका है ना मामा, मैं तो उसे ये फैसला भी नहीं करने दूंगी। हाँ, अब मैं उसे ये भी फैसला नहीं करने दूंगी। लेकिन महर? महर मेरी प्रॉब्लम नहीं है मामा, मैं अपनी अना और जुबान की खातिर बड़ी से बड़ी चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। जैसे तुमने उसका इंतखाब करके मुझे और मेरी हैसियत को दांव पर लगाया था। I'm sorry, मामा, I'm extremely sorry. मगर अब जो कुछ होगा सादी, वो मुझे नजरअंदाज करके नहीं होगा। आप उसे नहीं जानती मामा, वो ये सब कुछ अपनी खुददारी की वजह से कर रहा है। वो जिस जोन में है मैं उसके पास वो भी नहीं छोड़ूंगी। मेहर की रकम तो वो अदा कर सकता है, लेकिन शिकस्त बर्दाश्त करना उसके लिए अज़ियतनाक होगा। आप उसे नहीं जानते जितना कि मैं जानती हूं। अब तुम रिलैक्स करो, ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी उनकी फतह होती है, इनको तो इग्नोर करना चाहिए। मोहब्बत जैसी गलती तुम कर चुकी हो, उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। Yes, mama. I think you're right. I'm sorry, mama. Mama, वो मेरे इस तरह अपसेट रहने की वजह से वो दोनों एड्स। कोई बात नहीं, रिलैक्स, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस अपने बिजनेस पर ध्यान दो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा। मैं कल ही वकील से बात करूंगी, वो खुरा के कागजात तैयार कर देगा। ठीक है, अब हमें डिनर पे जाना है, देर हो रही है, तुम जल्दी से जाकर कपड़े बदलो। जाओ जाओ। शाबाश। Thank you.
बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। और सादी आप? जस्ट फाइन। व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहाँ कैसे? बस यहाँ, दरअसल मैं अपने एक दोस्त को देखने आया था, लेकिन मेरे ख्याल में वो पहुँचा नहीं। ठीक है, मैं दोबारा चक्कर लगा लूंगा। नहीं नहीं, प्लीज आप बैठे, हमारे साथ डिनर करके जाए। जरूर, बड़ी खुशकिस्मती होगी मेरी, लेकिन एक शर्त। वो क्या? डिनर मेरी तरफ से। नहीं नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, आप हमारे साथ डिनर करेंगे, मेरे और शादी के साथ। हाँ, और अच्छा हुआ कि आप मिल गए, आपसे मशवरा भी करना था, बहुत जरूरत। हाँ प्लीज, मैं किस काम आ सकता हूँ? असल में शादी होना मांग रही है। बहुत दुरुस्त फैसला है। वो एडवोकेट हाशमी को मैं कॉन्टेक्ट करना चाह रही थी। ये तो और भी अच्छी बात है मिसेस यज़दानी, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। That's great. तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ये सारा मसला संभाल लें, मैं और सादी तो इतने बिजी रहते हैं। बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र। और सुनाएं क्या हो रहा है, क्या मंगा रहे हैं? हमने तो ऑर्डर कर दिया, आप कुछ ऑर्डर करेंगे? हाँ बस उसी में से खा लूंगा यार।